वेल सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ये जो सीरीज अब चल रही है इसमें कंप्लीट ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन अब तक लगता है मुझे एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन उठाकर, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और ये क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में जो भी आप लोग रिसेंटली अभी आने वाले हैं उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि मिनिमम वन ईयर का तो करंट अफेयर नॉर्मली आप लोगों से पूछ ही लिया जाता है और उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे, और यही बेसिक गोल भी होना चाहिए कि एग्जाम में कंफर्टेबल फील करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पूरी साल पढ़ाई करने का। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करके कुछ दिनों के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन होकर लग जाइए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ही फायदा पहुंचाएगा और आप लोगों को जो भी मेहनत करोगे ये फिर एग्जाम में आप लोगों को इतना अच्छा फील कराएंगे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार लाइफ में कुछ किया है। तो इसलिए अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए एक एक क्वेश्चन को, और अच्छे से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले दिखता है मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट कर देखिए, फिर आंसर देखने में भी आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिया जाता है डिटेल में नजर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो पोर्शन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो जिसको PMFBY भी आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट है, एक एक कर देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर ये एक तरीके से यूनिफॉर्म प्रीमियम जो 2% रहेगा वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5% ये रबी क्रॉप के लिए, और पूरा 5% आप लोगों को यहां पर ये हॉर्टिकल्चर के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसके लिए फिक्स कर दिया गया है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया कि ये फार्मर के लिए ऑप्शनल है, यहां पर यानी कि लेना है या फिर नहीं लेना है, कोई ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी फार्मर के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली वन, बी में बोला जा रहा है ओनली टू, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबो, यानी कोई से भी सही नहीं है। तो ए बी सी या फिर डी, सही आंसर आप लोगों को बताना है। जो सही आंसर है इसका वो है ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए, ये याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो यहां पर जो पेड़ किया जाएगा खरीफ क्रॉप के लिए जो होगा यहां पर ये 2% रहेगा, रबी क्रॉप के लिए रहेगा ये 1.5% रहेगा, और जो हॉर्टिकल्चर रहेगा, ठीक है, बागवानी टाइप में आप लोग बोल सकते हैं फल फ्रूट्स के लिए या सब्जी के लिए, ये रहेगा 5%। तो ये तो फिक्स है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहां पर इसको जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स की हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से ये एक तरीके से नेशनल लेवल की स्कीम यहां पर मानी जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया में यही इसका जो रेट रहेगा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और इसी के साथ में मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसके बेस्ट फीचर निकालकर यहां पर ये स्कीम बनाई गई है, दोनों में से कंबाइन अच्छे अच्छे फीचर निकालकर। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगी वो ये है कि देखिए यहां पर ये ऑप्शनल है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए यहां पर ये मैंडेटरी है। जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल लोन यानी कि बैंक से लोन लिया है उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, यानी कि उनको लिए तो ये लोन ही लेनी पड़ेगी, पर लेकिन जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है उनके लिए ये ऑप्शनल है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई कि ये फार्मर के लिए ऑप्शनल है, सबके लिए ऑप्शनल नहीं है, उनके लिए ऑप्शनल है जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर ए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, तो गोकुल यानी कि आप लोगों ने ग्वाले के बारे में सुना होगा तो उससे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली जो फोकस दिया जाना है वो गाय के ऊपर ज्यादा फोकस यहां पर रहने वाला है। तो पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक एक कर देख लेते हैं। पहले बोला गया कि जो डेवलप किया जा रहा है यहां पर एक तरीके से ये कंजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री में जो इंडिजिनियस जो यहां पर बोवियन यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो गोकुल से रिलेटेड यानी कि गाय से रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं ब्रीड है, उनको यहां पर सेव करने के लिए कंजर्व करने के लिए डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्वदेशी जाति आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली। दूसरा बोला गया कि ये लॉन्च किया गया अंडर फार्मर की इनकम डबल करने के लिए। तीसरा बोला गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये इंप्लीमेंट करे जाएगा थ्रू स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी SIA जो कि यहां पर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो कौन सा आंसर है यहां पर? ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया ओनली वन, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को यहां पर आंसर बताना है, तो ए बी सी या फिर डी। तो जो आंसर है यहां पर बी, क्योंकि यहां पर पूछा क्या गया, पूछा गया नोट, ये नहीं पूछा गया कि सही कौन सा है, तो गलत पूछा गया है। तो यहां पर ये जो बोला गया फार्मर की इनकम डबल करने का, तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर डबल हो जा रही है तो अपने आप ही डबल होगी, यहां पर ऐसा कोई इसके अंदर पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है? हमारी कंट्री में अपने ऊपर डिपेंडेंट करना, यानी कि जो जो यहां पर मिल्क प्रोडक्शन है वो बाहर से नहीं लेके आना है। दूसरा, जो इंडिजिनियस ब्रीड है यानी कि हमारी जो लोकल जातियां हैं अपने हमारे यहां पर, उनको किस तरीके से और अच्छे लेवल पर हम लोगों को डेवलप करना है। कैटल की जो हेल्थ है वो
हम लोग को इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ानी है और डिजीज फ्री यहाँ पर हम लोग को एक तरीके से नेचुरल सर्विस होनी चाहिए, खासकर अगर गाय से रिलेटेड बात करते हैं। और जो भी इंडिजिनस ब्रीड है आप लोगों ने सुना होगा, गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, तो ये कई सारी आप लोग कैटल की ब्रीड नजर आएंगी, तो इनको किस तरीके से हम लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये बेसिक यहाँ पर पर्पज है हमारी कंट्री में इस मिशन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है रेड मड के बारे में, यानी कि लाल मिट्टी, ये तरीका सॉलिड वेस्ट होता है जो कि जनरेट होता है जब एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि एक प्रोसीजर है जिसमें एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें जो निकलने वाली यहाँ पर मिट्टी होती है उसको रेड मड बोला जाता है। दूसरा बोला जा रहा है रेड मड जो है वो मोस्टली फाउंड किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया में ज्यादातर ये रेड मड देखने को मिलता है। तीसरा बोला जा रहा है कि रेड मड जो है यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट है, ये बियर प्रोसीजर, तो यहाँ पर इसका साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है 1 and 3, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी वो सॉरी सी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है ए बी सी या फिर डी, तो जो सही आंसर है इसका ये है ए यहाँ पर, यानी कि 1 and 3 सही है। ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग एल्यूमिनियम प्रोसीजर, तो यहाँ पर जो बॉक्साइट होता है बेसिकली, जब उससे यहाँ पर एल्यूमिनियम को निकालने की कोशिश की जाती है तो उसमें यहाँ पर ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसको आप लोग बेयर प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है तमिलनाडु में ही पाया जाता है, ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर ग्लोबली अगर आप लोग देखेंगे 150 मिलियन टन यहाँ पर इस तरीके से रेड मड प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि यहाँ पर ये तमिलनाडु में ही बस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी एक तरीके से एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर है, जहां भी एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज किया जाता है तो उसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये बेयर प्रोसीजर आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या पूछेंगे कि क्या होता है ये, तो ये होता है एक तरीके से कि यहाँ पर बॉक्साइट जो होता है उसमें से एल्यूमिनियम निकालने का जो प्रोसीजर है उसको आप लोग बेयर प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और उसमें जो ये गंदगी निकलती है ये सारी आप लोग रेड मड इसको बोल सकते हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, ये है कोलिस्टीन के बारे में। ये कोलिस्टीन रिसेंटली अभी न्यूज में था, आप लोगों को याद होगा न्यूज़पेपर में मैंने इसके बारे में कवर भी किया था। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं बोला गया कि एक तरीका एक वैल्यूएबल लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक है जो सेव करती है कई सारी ह्यूमन लाइफ इन क्रिटिकल कंडीशन। तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को क्रिटिकल कंडीशन में सेव किया जाता है इस एंटीबायोटिक के थ्रू, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा बोला गया कि इनडिस्क्रिमिनेशन जो यूज इसका देखने को मिला है कोलेस्टीन का, खासकर जो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी कंट्री में इसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है 1 only, बी में बोला जा रहा है 2 only, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, सही आंसर है यहाँ पर ए बी सी या फिर डी, तो सही आंसर है यहाँ पर सी। बेसिकली होता है क्या, देखिए आज की डेट में जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रोहिबिटेड की जाती है पर फिर भी काफी लार्ज स्केल पर यूज होती नजर आती है, यूज तो कहीं और होनी चाहिए और होती कहीं और यूज है। तो इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में जो खासकर फूड से रिलेटेड जो प्रोड्यूस जो है उसमें यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इसका यूज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। फूड प्रोड्यूसिंग जो एनिमल होते हैं खासकर एक्वा फार्मिंग, यानी कि जो मछली से रिलेटेड बात की जा रही है, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर ये इंसान के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जाएगा उसको यहाँ पर एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से अंधाधुंध जो यूज हो रहा है उसकी वजह से रोगाणु से रिलेटेड प्रति जो हमारी कंट्री के अंदर इंसानों की जो ये एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर फिर कोई दवाई भी इंसान को देते हैं ना तो वो असर नहीं करती है, एक तरीके से रेजिस्ट करने लगती है हमारी बॉडी, फिर हाई डोज हमको अपनी बॉडी में देना पड़ता है उस पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कोलेस्टीन को यूज को गलत तरीके से जो यूज किया जा रहा है उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसको प्रोहिबिट कर दिया गया यानी कि रोक दिया गया है अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है पैलेस्टीन के बारे में, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन यह नियर ईस्टर्न, तो ये UNRWA, तो एक तरीके से जो आप लोगों को पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफी रस्साकसी रहती है, तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजी बन गए हैं आसपास वाले रीजन में या अपने भी रीजन में ये रिफ्यूजी बन चुके हैं। तो देखिए खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई के लिए, वो सारी चीजें जो बेसिक नीड होती है उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जाती है इस एजेंसी के थ्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी, ये बात की जा रही है फंडेड की जाती है ऑलमोस्ट एंटायरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है यूएन के मेंबर की साइड से, यानी कि यूएन के जो मेंबर है उससे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि फंड करती है यहां पर वॉलेंट्री अपनी मर्जी से जितना वो फंड देना चाहते हैं।
दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया के द्वारा इंक्रीज किया गया अभी रिसेंटली इसके लिए अपना जो कोर बजट है वो 2019 में 2016 के कंपेयर में यहां पर हम लोगों ने बढ़ा दिया गया इनकी हेल्प करने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ए बी सी या फिर डी? तो ये आप लोगों को बताना है। तो आइए एक एक कर यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है इसके बारे में, आप लोग याद रखना कि एक ऐसी एजेंसी यहां पर जो कि हेल्प करने की कोशिश करती है, क्योंकि काफी लार्ज प्रॉब्लम है आज के डेट में अगर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आप लोग उसको लेकर चलते हैं। आज की डेट में लगभग यह माना जाता है कि 5.4 मिलियन, ठीक है, तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग 60 लाख के करीब मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, या फिर 54 लाख आप लोग बोल सकते हैं कि लोग आज की डेट में ये रिफ्यूजी की कैटेगरी में हैं यहां पर, जिनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते यहां पर ये यूएन के द्वारा जो मेंबर है उनके द्वारा मिशन स्टार्ट किया गया और हमारी कंट्री का भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले यहां पर 2016 में लगभग 1.25 मिलियन डॉलर देखने को मिलता था, आज की डेट में इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 5 मिलियन यूएसडी डॉलर कर दिया है, इनके यूएसए के डॉलर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर हेल्प जो की जा रही है हमारी कंट्री से, ये इंक्रीज यहां पर हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री का भी नाम है यहां पर, तो इसलिए याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया इस तरीके से आप लोग देखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट से ये यानी कि सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है किम्बरले प्रोसीजर के बारे में। ये किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम आखिर क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इंडिया बोला जा रहा है इसका फाउंडिंग मेंबर है किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम का, और करंट चेयर भी हमारी कंट्री के पास ही है इससे रिलेटेड। किम्बरले प्रोसीजर एक कमिटमेंट है यहां पर रिमूव करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड होता है ग्लोबल सप्लाई से उसको रिमूव करने की बात की जाती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली वन, बी में बोला जा रहा है ओनली टू, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही है? तो जो सही आंसर है इसका यह सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब समझ लेते हैं किम्बरले प्रोसीजर। किम्बरले एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर एक तरीके से सर्टिफिकेशन स्कीम स्टार्ट की गई। ये स्कीम ऐसी थी कि देखिए आज के डेट में अगर डायमंड को हम लोग एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए सीरिया के अंदर लड़ाई चल रही है और वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग डायमंड भेज रहे हैं लोगों को पैसा नहीं देकर कि जाओ अपना सामान खरीद लो, बंदूकें वगैरह खरीद लो और आपस में लड़ाई करते रहो, इंजॉय करते रहो। तो इस तरीके से डायमंड को कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से यूज नहीं करना है यहां पर। ग्लोबल सप्लाई जो चेन है वो एक शांति के पर्पज के लिए होनी चाहिए, यानी कि डायमंड जिस पर्पज के लिए यूज किया जाना है, आप लोग मान लीजिए उसको यूज करते हैं अपने हाथों में अंगूठी पहनने के लिए या फिर कोई और प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, पर लेकिन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को रिमूव करने की बात की जा रही है, लड़ाई के लिए डायमंड का यूज नहीं करना है। तो यह किम्बरले प्रोसीजर, ये देख सकते हैं यहां पर जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, यहां पर यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अपनी कंट्री के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग देखेंगे ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री। तो यहां पर जो ये रेड स्पॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये बेसिकली ये प्रोसीजर निकल कर आया जिसके बेस पर इसका नाम रखा गया है। तो स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही है, यहां पर सी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ता हूं, रिसेंटली काफी न्यूज में था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसकी बात की जा रही है ILP के बारे में। इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरिया है जहां पर आप लोगों को अगर अपनी ही कंट्री के एरिया में आप लोगों को विजिट करना है तो आप लोगों को ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट, वहां पर जाने के लिए। ये ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बेसिकली पर्टिकुलर एरिया से वहां पर जो भी रॉ मेटेरियल होता है उसको निकालने के लिए, पर लेकिन बाद में चलकर बाहर के लोग काफी जाने लगे और उस लोकल एरिया पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा, उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसको कंटिन्यू रखा गया आगे आजादी के बाद भी। तो इनर लाइन परमिट के बारे में जान लेते हैं। इनर लाइन परमिट एक तरीका ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया जाता है इनवर्ड जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अगर आप लोगों को जाना है तो इनर लाइन परमिट आप लोगों को दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि इनर लाइन जो परमिट है यहां पर ये ऑब्टेन किया जाता है बोथ इंडियन सिटीजन या फिर फॉरेनर, यानी कि बाहर की कंट्री का अगर कोई हमारी कंट्री में यहां पर घूमने आ रहा है उसको भी यहां पर ये इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तीसरा, जो करंट इनर लाइन परमिट है ऑपरेशनल, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तीन राज्य में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली वन, बी में बोला जा रहा है वन एंड टू, सी में बोला जा रहा है वन एंड थ्री, डी में बोला जा रहा है वन टू एंड थ्री। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर सही है? तो जो सही आंसर है यहां पर ये सी, यानी कि वन एंड थ्री सही है, यहां पर ये आंसर सही है। तो वन एंड थ्री सही है, ये इनर जो इनर लाइन परमिट होता है हमारी कंट्री के सिटीजन को यहां पर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अलाउ किया जाता है उस एरिया में जाने के लिए जहां पर बेसिकली अलाउ नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है। इनर लाइन परमिट यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी दूसरी, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन के लिए है ओनली। जो बाहर का कोई आएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहां पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है यहां पर
पीएपी यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यहां पर उनके लिए अलाउ किया जाता है। डिफरेंट तरीका परमिट है हमारी कंट्री के लिए डिफरेंट तरीके से और उनके लिए डिफरेंट तरीके से यहां पर होगा, ठीक है। और मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही यहां पर नॉन सिटीजन के लिए ये, ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। वहां पर है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और यहां पर है इनर लाइन परमिट, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उनके लिए रूल और रेगुलेशन उसमें अलग है, हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए जो इनर लाइन परमिट है उसमें अलग है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, दोनों के लिए एक नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है नादौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो कई सारी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में होते हैं किसी न किसी रीजन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये नादौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नादौर वन्य अभयारण्य आप लोग बोल सकते हैं, ये किस राज्य में पाया जाता है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, तो बोला जा रहा है मेघालय के अंदर, दूसरा बोला जा रहा है आसाम के अंदर, तीसरा उत्तर प्रदेश के, चौथा बोला जा रहा है उत्तराखंड। तो ए बी सी एफ डी कौन सा आंसर सही है, तो जिसका आंसर सही है यहाँ पर डी, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन है वहां पर नादौर रिवर है, उसके पास में आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो इसके नाम पर एक रिवर भी है उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1920 में बोला जा रहा है कि किसका नाम चेंज किया गया स्वराज्य सभा के रूप में, यानी कि पहले कुछ और नाम था फिर आगे चल के स्वराज्य सभा में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा बोला जा रहा है हिंदू महासभा, तीसरा बोला जा रहा है साउथ इंडिया, यह है लिबरल फेडरेशन, चौथा बोला जाए द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कौन सा का नाम, किसका नाम यहां पर चेंज किया गया, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहां पर इसका ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये बेसिकली स्टार्ट तो की गई थी आयरलैंड में, तो आयरलैंड में जो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट था यहाँ पर, तो यानी कि हमारी कंट्री का रूल होना चाहिए हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया। ये 1916 से लेके हमारी कंट्री में जो देखने को मिला ये 1918 तक चला। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके पास, जिनके बारे में घुमा घुमा कर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे का नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो इन दोनों के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया जिसके बेस पर यहाँ पर चीजों को फॉलो किया गया। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखेगा। आगे चलकर 1921 के बाद में आगे चलकर इसको ये चेंज कर दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा के रूप में, ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों के आ जाते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, तो इनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले में बोला गया कि स्वामी दयानंद जो यहां पर ये स्टेब्लिश किया गया आर्य समाज का इनके द्वारा, दूसरे नंबर पर बोला गया दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण लिखा गया, तीसरे नंबर पर बोला गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया, चौथा बोला गया सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन जो जिसके द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाला गया। तो यहां पर बोला गया कि कौन सा इवेंट यहां पर सबसे पहले हुआ है इन चारों में से, ए बी सी या फिर डी, तो आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को सारों की एक बार डेट बता देता हूं ताकि आप लोग याद रख सकें। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की जो स्थापना की गई, ये स्थापना की गई 1875 में, ठीक है, ये है पहली स्टेटमेंट। दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो नील दर्पण लिखी गई, ये लिखी गई यहां पर लगभग अगर आप लोग लेकर चले ये 1858 से लेकर ये है यहां पर 59 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया, ये लिखा गया 1882 में। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर जो इनके द्वारा एग्जाम निकाला गया, ये निकाला गया 1863 में, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, वो दीन बंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण यहां पर लिखा गया, ठीक है। बाकी यहां पर तीनों के बारे में आप लोग याद रखिए, आप लोगों से मैच करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ये बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इम्प्रूव किया जाए। तो इसी के साथ में अच्छे से एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।